जे हरसिमरत बादल कौर बादल अस्तीफा दें है अस्तीफे तो हफ्ता पहला वो गुण गाँव सोहले गाँव से मोदी के कानूनों के वह तो किसानों ने धौन से डंडा दिता। राहुल गांधी पप्पू कहते सारे जी। और मैं वाकई यकीन हो गया जो दिल्ली तो इतने आके ट्रैक्टर पर बैठा तो ट्रैक्टर भी वो जितने मैं कहना सोफे बड़े लग्जरी लगे ने। जो सरकार ही आर एस एस की है भाजपा कि आर एस एस की है तो जो भाजपा ना गठजोड़ है तो फिर आप मीटिंग की कि गल रहेगी जी। ये सारे आर एस एस दी खड़े किए हुए ने तुम कि समा मिले तो ये वेख लो कि जो इनान करते होंगे ने इन्हों थले कशहरा नहीं पाया होंगे खाकी लगनी निकर होंगी है। पिछला भावें इतिहास पढ़ के वेख लो कि जो जो नौजवान उठे वो भावें भगत सिंह के रूप च उठे वो भावें करतार सिंह सराभा के रूप च उठे वो भावें शहीद ऊधम सिंह के रूप च उठे वो भावें भाई सतवंत सिंह बेंत सिंह के रूप च उठे वो भावें सुखे जिंदे के रूप च उठे वो भावें भाई केहर सिंह के रूप च उठे वो भावें जगतार सिंह हवारा के रूप च उठे जो भी नौजवान उठता ना तो कोई ना कोई पटाका जरूर पैदा होंगे इन्हों ध्यान रखें। तो बहुत स्टेटा इदा दियाँ जिथे मोदी जीरो है 10-12 स्टेटा ने तो 10-12 स्टेटा इदा दियाँ ने जिथे यदि मजोरिटी है भी मजोरिटी सरकार बनाई हुई ने कि 10 स्टेटा कितने 5 स्टेटा धक्के बनाई हुई हैं तो कोई 4-5 स्टेटा ही इदा दियाँ ने जिथे मोदी का कह सकते प्रोपर सरकार है हरियाणा हरियाणा भी मजोरिटी बने ठीक है। सो इस करके हवा ही लोगों च हवा है पर तुहानू दस दिए भी पंजाब जिहड़ा इहदियां सुरां हमेशा बागी रही ने यह बागी तो बगावत वाला रहा जिहड़ा पंजाब के खिलाफ बगावत करेगा वह पंजाब च किवें राज कर लेगा। स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह तुन्ना अज असी खड़े हैं पिंड रणिया के रिलायंस पेट्रोल पंप के जिथे किसान जथेबंदियों वालों धरना लगाया गया जिहड़ा कि अज सत्तवें दिन में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब दे विच दशहरे देखते हुए रावण के पुतले इत्थे कट फूके जा रहे हैं। अज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पुतले पंजाब दे विच दशहरे दिन वध फूके जा रहे हैं। खास तौर पर जिहड़ा प्रदर्शन है उत्थे सिख प्रचारक दमदमी टकसाल तो बरजिंदर सिंह परवाना साडे नाल आए ने इत्थे शामिल होए ने अपनियां उन्होंने संबोधन किया किसान जथेबंदे में जोश भरिया परवाना साहब साडे नाल गलबात करांगे। सत श्री अकाल परवाना जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल परवाना जी। सवाल मेरा यही है किसान जथेबंदियां धरना प्रदर्शन कर रही ने सो की लगता भी अगे किस मोड़ वाल जाएगा धरना प्रदर्शन ये कुछ निकल के आएगा सामने जी। सब तो पहला धन्यवाद तुहाडे चैनल के माध्यम द्वारा आप अज इकट्ठे होए हैं। तुसीं सवाल किया भी कुछ निकल के आएगा जी। आप रणिया पिंड दे विच अज बैठे हुए हैं तो पिछले एक हफ्ते तो तुसीं दस्सिया भी ये मोर्चा लगातार चल रहा। जदों आप सोच के काम करना शुरू करिए भी असी उहदे च कुछ कढ़ना है तो फिर बंदा कदे कामयाब नहीं हुंदा जी। जदों साडी मंजिल सानूं पता भी असी वह मंजिल ते पहुँचना इक्को ही मंजिल है कढ़ना नहीं कुछ ना कढ़ना ना पाउणा इहदी मंजिल इक्को है भी जिहड़े कराले कानून ने वह मोदी दीआं नखां दे विच वापस वाड़ने ने जिहतों कढ़े ने ते जदों साडा मिशन भी क्लीयर है विजन भी क्लीयर है कढ़न पाउण दे विच कुछ नहीं हैगा सो वो फिर जिहड़े मोर्चे ने सफल जरूर हुंदे ने। ते दूजी गल संघर्ष जिहड़े हुंदे ने साडा मकसद है संघर्षां नूं विच रहना संघर्ष लड़ना जी। संघर्ष की प्राप्ति कदों होनी है किस समय होनी है किस हालात च होनी है किस माहौल च होनी है वो ना तुसी जानदे जी ना मैं जानदा जी। पर जे जिवें तुसी हुण पत्रकारी कर रहे हो तुसी सोचदे हो ना भी मैं वड्डा बहुत वड्डा जर्नलिस्ट मैं बन जावां किसे समय च मेरा ना होवे वो तां ही होएगा ना जे तुसी ये छोटे लेवल का ना छड्डोगे तां ही वड्डे ते जाओगे। इस तरह ये संघर्ष भावें छोटा वेखण छोटा लवे 10-15-50-100-200 बंदा बैठा है ये कट्ठ ना वेखो इन्हों की सोच वेखो इन्हों के हौसले वेखो इन्हों की आने वाले समय के विचार की है वो वेखो तो जदों फिर सोच एक हो जाए विचार एक हो जाए मतलब संघर्ष एक हो जाए तो अपने
प्यार एक हो जाए तो उन्होंने फिर प्राप्तियां मतलब जे कोई कवे मैं रोक लवांगा तो हो सकता वो चीज़ा प्राप्त होंदिया ने। पिछले समय में भी संघर्ष हुए हैं तो कुछ पोलीटिकल लीडर को वालों या कुछ सरकार वालों जिहा माहौल क्रिएट किया जाता जो संघर्ष है उन्होंने तार पिडो किया जाता वा। इस बार भी थोड़ा लगता कुछ जिहा सरकार वालों या पोलीटिकल लीडर वालों किया जाएगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो BJP डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के जाके फुलमाला भेट कर रही ने सो एक उधर तोड़ रही ने थोड़ा की लगता इस बार तुझे तो किया जाएगा नहीं वड्डे वीर जी कर दिता गया जी शुरुआती दौर दे विच जदों बादलों ने रैली कढ़ी चंडीगढ़ लै गए लखां दा कट करके जी ते हजार उदों मतलब इस संघर्ष खत्म करने वास्ते किया सी उन्होंने जी। फिर कैप्टन जिहड़ा है हुण कितने सेंटर तां कैप्टन ते बैठी हुई है कल्ली कांग्रेस तां नहीं बैठी सेंटर बैठी है उन्होंने जिहड़ा संघर्ष किया जां उन्होंने जिहड़ा मोर्चा कढ़ जां रैली कढ़ी वो किसानां दे मोर्चे नूं तारों पीड़ करने वास्ते ही है जी। हुण आपां इत्थे बैठे हाँ चंडीगढ़ जाके सुखबीर बादल नूं की मिल गया ते जां की करना सी जी। राहुल गांधी नूं पप्पू कहिंदे सारे जी और मैनूं वाकई यकीन होगा जदों दिल्ली तों इत्थे आके ट्रैक्टर ते बैठा ते ट्रैक्टर भी ओह जिथे मैं कहना सोफे बड़े लग्जरी लगे ने मैं तां पहली देखा ट्रैक्टर इदां दा मेरी विच है इदां ट्रैक्टर ते बैठण दी ते ओह दिल्ली तों इत्थे आ रहे जदकि उन्हां नूं चाहीदा सी वी अपनी सारी सरकार बुला के दिल्ली जाके बैठदा बिल्कुल। सो इस करके इन गल्लां तो क्लीयर है भी लोग संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। दूजी गल हुण रौला पा रहे हैं भी नहीं होना चाहिए पर तुसी इस गल वल ध्यान दो भी साइन भी तो इन्हां दे ने जे हरसिमरत बादल कौर बाद अस्तीफा देंदी है अस्तीफे तो हफ्ता पहला वो गुण गाँवी सोहले गाँवी से मोदी के कानूनों के वह किसानों ने धौन च डंडा दिता तो गोडा रखिया धोन के उपर तो फिर जाके भी कितने असी मतलब वोटा लैन वास्ते भी हूँ मैं साडा असं इस्तीफा दे देवे साढ़े ना पंजाब आके खड़ जूगा पर यह नहीं होना हूँ लोगों चोरों का ठगा का डाकुआ का धाड़वियों का पता लग गया भी कौन की है पर इतने मतलब मैं चाहना आने वाले समय में लोगों जी 2022 दी चोणा ने वो इन मुद्दों मुख रख के लड़िया जा किसानी पानिया तो इस महीना मुद्दों पर लड़िया जा ना कि मैं तेन स्मार्टफोन दे दाँगा ना कि मैं तेन आटा दाल दे देवगा ना कि मैं तुम्हें हस्पताल इलाज फ्री करा देवगा इन्हों मुद्दों रख के नहीं वो मुद्दे रख के लड़िया जा जिन्हों मुद्दे पंजाब साडा खुशहाल अभी तुम 2022 चोणों की गल की पर उस तो पहले मैं गल करूँगा विधायक सिमरजीत बैंस ने वड्डा दोष सुखबीर बादल के उत्ते लगाया वा भी जो श्रोमणी कमेटी जो कमिश्नर अदला बदली की जाती है तो उस तो बाद सुखबीर बादल की RSS कार्यालय दफ्तर मीटिंग होंगी है सो थोड़ू की लगता भी जिहा कुछ होया होगा इन्हें देखो जी जे आप कहते सुखबीर बादल की RSS मीटिंग ये तो बड़ी छोटी जी गल है जी जदों सरकार ही RSS की है भाजपा कि है RSS की है तो जदों भाजपा ना गठजोड़ है तो फिर आप मीटिंग की कि गल रहेगी ये तो सारे RSS की के खड़े किए हुए ने तुसी कित समा मिले तो ये वेख लो कि जो इनान करते होंगे ने इन्हों थले कशहरा नहीं पाया होंगे खाकी लगनी निकर होंगी है ये बहुत मतलब कट्टरपंथी फैन ने मोदी के यद सब टकौंसला है दिखाने का प्रबंधक जो देश के कोई मोदी के अगेंस्ट या BJP के अगेंस्ट आवाज चुकता तो उन्होंने दबाने की कोशिश की जाती है CBI मारे जाते हैं छापे मारे जाते हैं ED भेजा जाता सो होर जो सुप्रीम कोर्ट वालों भी खास तौर पर मैं कहना भी सुप्रीम कोर्ट सब तो सुप्रीम है वो भी दबाव हेठ किया जाता तो पिछले दिन ही कैप्टन सरकार वालों एक बिल सोध बिल लिया गया विधानसभा के सो उदू बाद बीते दिन ही रणिंदर एक जो स्विस बैंक का जो इशू चल रहा ED वालों समन किया देखो जी वो वड्डे लेवल दे लीडर जी वो जो मर्जी करी जान हुण रणिंदर की है किसानां दी आवाज़ नूं जे रणिंदर नूं धौण ते गोड़ा रखणगे तो किसानां दी आवाज़ दब जाएगी हुण उत्थे तां भेज देगा ED नूं CBI नूं कल्ले कल्ले घर च कित्थे कित्थे CBI भेजणगे कल्ले कल्ले घर विच कित्थे ED नूं भेजणगे कल्ले कल्ले नौजवान ते कित्थे घर विच जाके ED भेजणगे किहड़े किहड़े नौजवान ते कित्थे जुआपा लाणगे किहड़े कानून लियाणगे सो इस करके ये तो हुण संघर्ष जिहड़ा नौजवानी का बन चुकिया है ये संघर्ष पंजाब की जवानी के हत्थां आ चुकिया है सो जदों जवानी जागती है ना नौजवान खड़ा हुंदा तो पत्रकार साहब इनकलाब जिहड़ा ना जरूर आउंदा समा जरूर लग जांदा पर आउंदा जरूर है पिछला भावें इतिहास पढ़ के वेख लो कि जदों जदों नौजवान उठिया वो भावें भगत सिंह के रूप च उठिया वो भावें करतार सिंह सराभा के रूप च उठिया वो भावें शहीद ऊधम सिंह के रूप च उठिया वो भावें भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह के रूप च उठिया वो भावें सुखे जिंदे के रूप च उठिया वो भावें भाई केहर सिंह के रूप च उठिया वो भावें जगतार सिंह हवारा के रूप च उठिया जो भी नौजवान उठता ना
ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇਣਾ ਹੋਜੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੇਮ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਂਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ ਭਲਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਵੇਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30-32 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀਰੋ ਹੈ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਿਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਝੜਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ RSS ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ RSS ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨ
क्योंकि किसी का मूँह नहीं फड़िया जा सकता। ठीक है, नहीं मैं लड़ाई की गल कर लगा तो लड़ाई की गल कर लगा नहीं मैं उत्थे उन्होंने भी आर एस एस वाले दोवों नहीं गिणता आर एस एस मैं गिणता ही नहीं पाया वो तो थोड़ी सोच है। इतने असं गुरु ग्रंथ साहब के पातशाह संबंध बैठे से सरूपों के संबंध वो बेदबी की भी कोई होर बेदबी करे तो आप धरने मोर्चे लाने सजावं की गल करते हैं तो जो कोई अपने बेदबी करन तो असं उन्होंने कह के भी कोई गल नहीं घर का मामला तो दबेड़ देने। सो इस करके इस संबंध में यह मोर्चा से कल 40वां दिन सीगा तो उस मोर्चे उन्होंने सिंघां नूं उत्थे 2000 बंदा बुला के हुण 20-25 बंदे ने संघर्ष किया सिंघां ने सिंह भी लड़े तुहाडे सामने कृपाना सिंघां ने पत्रकारां दे भी पत्रकारां दा ते जदों पहलां भी होया उदों भी कैमरे भन्ने सी ते हुण भी कैमरे भन्ने ने जदों पत्रकारां दे कैमरे भन्ने ने भी तुसीं आपे दस दो मना रहे साला कौन सानूं ते पुछण दी लोड़ नहीं पत्रकारां नूं जवाब देना चाहीदा। सो उत्थे जिहड़ा है नंगा नाच होया कल बिल्कुल मतलब इंसानियत दा नंगा नाच मतलब जे कह सकदे आ वी आपां उन्होंने किया कि फड़ फड़ के बंदे बंदी बना बना के बंदियां नूं सिंघां नूं ते कुट्टिया गया सिंह जख्मी ने बड़ी गंभीर हाल च ने असं हूँ उत्थे जिहड़ा उधर रवाना हो रहे नहीं ये वार वार चलो ए उदों भी है जो जून का महीना आता उदों भी टास्क फोर्स वालों अजिहा वतीरा किया जाता वा ये कदों ठल पएगी क्योंकि ये ठल उदों पएगी जी जदों श्रोमणी कमेटी बादलों के चंगुल चों निकल आएगी जी जदों श्रोमणी कमेटी इन्हां गद्दारां दे चंगुल चों निकल आएगी जी ये उस दिन ठल पैनी है और ये दिन नेड़े है जी जे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करवाई इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करदे सिंघां ते गोलियां चलवाइयां ते गुरु पातशाह ने कृपा की 113-117 सीटां चों लिया के 13 ते मारे इन्हां नूं जी ये गुरु पातशाह की खेड़ सी ते गां वी इन्हां दे पैर लगदे नज़र नहीं आ रहे वी जे सोचदे ने वी असीं आ छड़ के वजीरी तो असीं पैर ला ले तां पैर नहीं लग सकदे। सो गां वी हुण इन्हां ने आ जिहड़े देखो जदों अत हुंदी है अंत होना हुंदा तो कोई ना कोई अत चकद है। सो हुण ये जिहड़ियां अत्तां चक रहे ने वार वार लोगों मैसेज तो गलत ही जा रहा ना लोगों के ठीक है जो सानू कोई दो बंदे गालां कढ़दे पैणे 98 उन्होंने भी कढ़ रहे होणगे कोई गल नहीं जे सानू दो कढ़दे सानू 98 का विखदे पैणा भी 98 दे कोल अजागर हो रहा है जे कोई सानू दो चार माड़ा कहिंदे असीं सह लैणे कोई गल नहीं कोई गल नहीं समा आण ते पता लग जाएगा समा जवाब असीं जवाब नहीं देवांगे असीं क्यों बैठे हाँ की कर रहे हैं जां साडी की सोच है वह समा जवाब देगा पर जदों फिर अत का अंत हुंदा वो कहिंदा गिद्दड़ की मौत हुंदी शहर वल भजदा। सो ये कुदरत वल्लों कदे दरवाजे बंद करते सिंघां ते हमला करता टास्क फोर्स हमला करता लोगों में जांदियां ने लोग हुण डोनेशनां देणियां घट गईआं ने लोग जाना लोगों का कटी जांदा लोगों का इहदा भरोसा कटी जांदा SGFC मैंबर दा भरोसा कटी जांदा इन्हां नूं गालां कढ़दे ने पिंडां च नहीं वड़न देंदे सो गड्डियां तोड़दे पिंडां दीआं सो इस तों होर ज़्यादा कुत्ते खाने की होएगी कोई नहीं साडे सिंघां दे। दूजी गल जो संघर्ष चलदे चलदे ने तो संघर्ष चलते हैं तो फिर इदा जो लड़ाइया ने जे डांगा सोटे ये संघर्षों का हिस्सा है कोई गल नहीं जी। विधानसभा चोणा पोलीटिकल होंगे चोणा होंगे ने उसके आप पोलीटिकल पार्टियों के चलो ये बैकते आ गए कांग्रेस अगे आ गए ये अगे ये चलता पाया वा जो श्रोमणी कमेटी की चोणों की गल आती है तो सिख जथेबंदियां इकट्ठिया ना होने करके बादल परिवार का जरा कब्जा बार बार श्रोमणी कमेटी पर हो रहा थोनों की थोड़ा लगता भी जो अगे श्रोमणी कमेटी मतलब अगले साल हो जाएगियां उसके सिख जथेबंदियां ने इकट्ठिया होकर बादल परिवार का टाकरा कर कोशिश तो यही है जी। इस समय मैं झूठ बोलना तो गल गलत है इस समय तो डफली बजा रहे हैं आपको अपनी भावे मैं भी भावे कोई है तुम पत्रकार हो बड़े चंगे लग रहे हो मैंने सवाल करते पर यह सच्चाई इस समय डफलियां बज रही है पर सानू उम्मीद है भी आने वाले समय के जो अलायंस है यूनिटी जी बन जाएगी तो इकट्ठे होकर फिर बादलों का गेड़ा धोन से गोडा रखेंगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु बहुत बहुत ये सन बरजिंदर सिंह परवाना सिख प्रचारक जम्मू टकसाल तो जिन्होंने अपने वड्डे मुल्ले विचार रखे ने जिन्होंने जिते श्रोमणी कमेटी की गल की है भाजपा सरकार की गल की है केंद्र सरकार की गल की है। सो संघर्षों में कहते अगे भी संघर्ष चलते आए हैं संघर्ष वाली जित जरूर प्राप्त होंगी है पर जे संघर्ष में ईमानदारी हो क्योंकि ऐतकी जो संघर्ष है वो लीडर का संघर्ष नहीं है वो किसानों का संघर्ष है वो पंजाबियों का संघर्ष है वह सिखा का संघर्ष है इतने लीडरशिप ना होने करके जो संघर्ष है वह सही दिशा वाल जा रहा है पर जोड़े लीडर ने कितना कितने अपनी जी अड़चन पाने की कोशिश कर रहे हैं भावें वह मोदी सरकार वालों की जा रही है भावें पंजाब सरकार की गल की जाए भावें वह श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी किसी भी गल की जाए। सो अड़चना जीडिया सरकार वालों सरकार सियासी पार्टी वालों पाई जा रही है सो श्रोमणी कमेटी तो जथेबंद इकट्ठे होने की गल की गलते परवाना ने किया वै भी उन्होंने लगता भी अगे जे जथेबंद जे सिख जथेबंदियां इकट्ठिया होकर बादल परिवार के जोड़े सिर ते गोडा जरूर धरनगियां। मैं इंद्रपाल सिंह धुना कैमरामैन हैरी नाल देखते रहो प्राइमो दे सत श्री अकाल।